जितना बोल रहा हूँ उतना सुन ले, वरना जान रहे हैं ना क्या होगा। देखो 10 दिन, यदि 10-15 दिन पहले भी तो बात सुन लिया रहता तो सही रहता, लेकिन तो बात सुन ही नहीं रहा है। देखिए खेत में पानी नहीं आ रहा था लाइट के कारण, अभी खेत के अंदर पूरा पानी आ रहा है। पूरा मार इसको और मार इसको, पूरा बदमाशी करता है बहुत ज़्यादा। पूरा फवारा मार के तो पहले सारा भिगा दे। हमारे खेत में पूरा पानी भर रहा है। एक दिन दिमाग में टेंशन भर दिया हमारा। अब लग प्याज कब के लागू रही? अभी ओके दो झाप दो झाप रहे झाप। अब खुश हो ना, अब खुश हो ना। कुत्ता बड़ा सो ये है, ये कुत्ता बड़ा, मैं कुत्ता नहीं, ये कुत्ता है। तो अभी देख रहे हैं जैसा कि हमारे खेत में 10-15 दिन से पानी नहीं, तार खराब था और अभी हमने जस्ट उधर बगल से पट रहा है अच्छे से और अभी दिक्कत नहीं है। बाहर का सीन कुछ ऐसा है, रात को फिर से बारिश हुआ है और बारिश के कारण आप हमारा काम हमारे हिसाब से करने दीजिए, हमको पता है कि। तो दोस्तों आज के गुड मॉर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं रोहित हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो नई वीडियो में तो क्या कुछ खास है वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो फिर अभी जस्ट मैं सो के उठा था, आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सो के उठा, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था लेकिन अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं। तो जस्ट आया था सुबह सुबह अपने मामी के वहाँ पे घूमने के लिए, तो यहाँ पे कुछ देखिए पेंटिंग बनी हुई है ऐसे। तो मैं दिखा रहा था इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लाइट थोड़ा जला देते हैं। इस तरह की हमारी मम्मी जी का जो घर है इस तरह से है, कुछ शानदार तरीके से बना हुआ। और सो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके हमें बताइएगा और देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाएंगे। मार्केट में भी जाना है थोड़ा टाइम है, आज स्कूल में भी जाना है, लेकिन चलिए मूड थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। बाकी आपको कहीं कहीं लेके चलेंगे, दिखाएंगे और घुमाएंगे, रहेगा। फ्रेंडा है इसका, मोबाइल का दुकान है, प्रिंस मोबाइल का दुकान है ऐसा कुछ लिखा हुआ नाम है। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं, छोटी सी दुकान है। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे भाई? बढ़िया, क्या हाल चाल, मज़े में? अब बताओ। बस आपका ही वीडियो देख रहे थे। अच्छा अच्छा, हमारा ही वीडियो देख रहे थे। और बताओ तुम्हारे बड़े भाई कहाँ गए जो यहाँ पे बैठते हैं भाई? बस गए हैं थोड़ा बाजार में सामान लेने। अच्छा, कह रहे थे रियलमी का वो मिलेगा, टेम्पर शीशा वाला लगाने वाला होता है ना, ऊपर में लगाते हैं जिससे टूटता नहीं है, वो वाला मिलेगा? अच्छा 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 अच्छा, देखो एक बार चेक करो, इसका मिलेगा रियलमी का? चेक करो तो एक बार, चेक किए हो मेरे आंस पर, चेक कर लिए। तो देख रहे थे जस्ट यही दुकान थी, नायगढ़ वाला मोड़ का जो ऑटो स्टैंड है जस्ट इसके बगल में, सामने ही दुकान है ये, इसका प्रिंस भाई का। तो आप लोग आएंगे तो मोबाइल एसेसरीज सारी सामान मिलेगा इस पर, और कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने का नहीं रखता, बहुत गलत है, कुरकुरे रखना चाहिए था। कस्टमर को यदि भूख लग जाए तो बिस्कुट वगैरह मान लो कि खा के मतलब आगे बढ़ सके अपने रास्ते पे, मंजिल पे, थोड़ा खिलौना भी रखना चाहिए था ताकि थोड़ा दुकान भरी भरी लगती है ना। तो कल की बात है, हमारे भाई यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, ट्रेन में सब कुछ था, टिकट विकट लिया था, पर कुछ ऐसे महान महान बेकार तरीके के मास्टर और ब्लास्टर और टीटी और कुछ कांस्टेबल लोग, कुछ वैसे लोग होते हैं जिनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं होता, अपनी हैवानियत आखिर हर जगह पे ये लोग दिखा ही देते हैं जगह जगह पे। और ऐसी जगह पे कभी कभी ये लोग पकड़े जाते हैं, कुटाई होती है अच्छे से, जो कि आप लोगों को अक्सर न्यूज़ सुनने को मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपने ही भाई की बात कर रहा हूँ, कल वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका किसी ने टीटी ने टिकट रख लिया किधर, जब तक भाई ने बोला कि अरे भाई लाओ कुछ काम है लेके रखा, जब भी बंदा टिकट लेके गया हुआ तभी भी ये लोग बिना बहस के पकड़ लेते हैं, और इतने इनको सैलरी मिलती है सारे काम को करने के लिए, उसके बाद भी ये लोग चोरी नहीं छोड़ते। और कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास के जगह पे और गांव देहात में भी रहते हैं जो कि बहुत ही गलत तरह से व्यक्ति के साथ एक गलत बर्ताव करते हैं। आप लोगों के साथ
ऐसी चीज़ें भी होती होगी, कमेंट करके बताइएगा ऐसे किसके साथ हुआ है।